बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते इस तरह के टेक्निकल वीडियो, और ज़्यादातर हमारा वीडियो जो होता है एलसीडी एलईडी टीवी से रिलेटेड होता है। तो आज के इस वीडियो में ऐसा ही कुछ आपको बताने जा रहे हैं। हमारे पास आज ये माइक्रोमैक्स का एलईडी टीवी है, आप देख सकते हैं ये 24 इंच का एलईडी टीवी है। इसका डिस्प्ले हमने खोल रखा है। इसमें फॉल्ट जो आ रहा है अभी वो यहाँ पर देखें, ये इसका पैनल है, पैनल का जो क्रिस्टल होता है ऊपर का हिस्सा, उसे हमने खोल के अपने बाहर रखा है। तो उसे खोल के बाहर रखा है, तो आप जरा देखें यहाँ पे, दिखाओ तो जरा, यहाँ पे पिक्चर जो है बिल्कुल डार्क आ रहा है। मतलब टीवी को जब आप ऑन करेंगे, ये दिख रहा है आपको बिल्कुल डार्क, इधर कुछ लोगो टाइप का है, कैमरा, म्यूजिक, मूवी, टेक्स्ट, लेकिन ये दिख नहीं रहा है। इसमें होता क्या है कि टीवी को जैसे ही ऑन करते हैं तो कुछ देर पिक्चर सही आता है, कुछ देर सही आने के बाद ये पिक्चर ब्लर होकर धीरे धीरे बिल्कुल डार्क हो जाता है। और इस फॉल्ट में सबसे पहले हम लोगों ने जो स्केलर पीसीबी होता है, इसका सोर्स पीसीबी, वहाँ पे जो भी वोल्टेज होते हैं, जो भी सिग्नल्स होते हैं, उसे हम लोगों ने सबसे पहले चेक कर लिया है। यहाँ पे वो सारे वोल्टेज सिग्नल ओके हैं। इस जगह पे थोड़ा नमी लगा हुआ था, मॉइस्चर, तो उसे हम लोगों ने आईपी से क्लीन कर रखा है, आइसोप्रोपाइल से। तो ये क्लीनिंग है। पहले क्या होता था कि पिक्चर बिल्कुल फ्रीज था, अभी क्या है, डार्क डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है। अब यहाँ पर खास बात एक देखने को मिल रही है कि इस पर मैं हाथ रखता हूँ तो ये पिक्चर आपका, देखिए दिख रहा है, ये दिख रहे हैं हाथ आगे पीछे करने पे, सी ये इसे हम लोग साइड को बोलते हैं या गेट को, ये आप दिख रहे हैं। अभी कई दफा आपको लगेगा, जैसे ये कई बार ऐसा भी होता है कि आप क्रिस्टल पर भी कहीं हाथ रखते हैं तो आपको लगता है जैसे कि आपका पैनल सही हो रहा है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी इस फॉल्ट को हम लोग सही करेंगे। अब देखा जाए तो इस फॉल्ट में क्या होता है, ये यहाँ से बहुत सारे सप्लाई और सिग्नल जो है क्रिस्टल के अंदर, ग्लास के अंदर जाने बंद हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी हाथ रखने पे ना इस तरह का सिम्टम्स हो रहा है, दिख रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई ट्रैक मिसिंग हो, ट्रैक सर सकता है या फिजिकल डैमेज भी हो सकता है। तो चलिए इसको माइक्रोस्कोप पे चेक करते हैं। थोड़ा सा नमी लगा हुआ था तो सबसे पहले इधर फोकस करते हैं हम लोग, जैसा कि आप माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं, किनारे किनारे से जो ट्रैक जा रहे हैं क्रिस्टल के अंदर, यहाँ पे कोई ओपन नहीं है, कोई ट्रैक ओपन नहीं है, सारा ट्रैक आपका क्लियर दिख रहा है। देखिए आगे, ये देखिए, ये ट्रैक क्या है, ये कार्बन के ट्रैक बने होते हैं यहाँ पे, ये ट्रैक आपका डिस्टर्ब है। काउंटिंग करें अगर हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऊपर से 8 नंबर का ट्रैक डिस्टर्ब है। अब जरा यहाँ पर दिखाएं, ये यहाँ ऊपर से 8 नंबर का ट्रैक डिस्टर्ब है, तो उसका एक किनारा यहाँ से आ रहा है, ये स्कॉफ से, और ये एक किनारा शायद इसके अंदर जाना चाहिए इसे। अब क्या होता है कि इस सिचुएशन में कई बार इसके डाटा की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमारे पास इसका कोई डाटा, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है,
तो आपको बताते हैं, अगर आपके पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं हो तो इस कंडीशन में आप इसे कैसे सही करेंगे? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इसमें, सॉरी कुछ आगे चला गया, ट्रैक डिस्टर्ब कहाँ से था, 1 मिनट, ये ट्रैक इसके कितने नंबर पिन पे जा रहा है? तो हम लोग कॉफ के साइड बढ़ रहे हैं, मेन कॉफ के साइड बढ़ रहे हैं हम लोग, इस 8 नंबर ट्रैक को फाइंड करते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर हम लोग काउंटिंग करेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ट्रैक है आपका, यहाँ पे ये गई है, ये रहे ट्रैक। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस ट्रैक से चेक करेंगे कि ये आगे, इसके लिए हमें एक टॉर्च जलाना होगा यहाँ पे चेक करने के लिए। ओके, ये टॉर्च को जलाना जरूरी है, नहीं तो ये साफ साफ नहीं दिखेगा। तो ये 8 नंबर ट्रैक आपका, इसे बहुत केयरफुली करना होता है। तो इसे फाइंड करके, माइक्रोस्कोप पे आपको साफ दिखेगा, यहाँ देख रहे हैं? ओके, इस डॉट को हम लोगों ने खुरच लिया, मेटालिक कर लिया है ताकि सोल्डर करने में आसानी हो। सही है। अब क्या करेंगे कि एक साइड का तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, अब अपोजिट साइड का क्लियर करना है। ये 8 नंबर यहाँ पे आएगा फिर आपका, ये रहा। सॉरी, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा कि 1 मिनट देखिए, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो देखिए ये 8 नंबर था ना, ऊपर से 8 नंबर, तो यहाँ पे देखेंगे देखेंगे तो ऊपर से पहला नंबर का जो ट्रैक है वो जाके ऐसे ही ये यहाँ पे ओपन है, ये कनेक्शन में नहीं है, कनेक्शन लेस है ये। तो अब ये ट्रैक जो किनारे की ओर जो जा रहा है, ये आपका अब 8 नंबर नहीं कहलाएगा, ये अब 7 नंबर हो जाता है, क्योंकि एक ट्रैक जो है वो आगे जाके यूजलेस हो चला है। तो कोई नहीं, ऊपर से 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, ऊपर से 7 नंबर का ट्रैक हम लोग ट्रैक को फाइंड करके आगे बढ़ना है। ऊपर से 7 नंबर, ये देखिए हम लोग, तो ये 1 2 3 4 5, 5 के बाद और कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये रहा ट्रैक, ये रहा ट्रैक, ये रहा ट्रैक, और तू कहाँ जा रहे हो भाई? अच्छा जी, ये ट्रैक रहा इसका। तो दोनों पॉइंट हम लोगों ने ढूंढ लिया है, अब इसे हम लोग मार्क कर लेंगे। ओके, इसे मार्क कर लेना है, तो इसे अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है। मार्क करके हम लोगों ने सोल्डर कर रखा है, अभी इसको सोल्डराइज करके अब यहाँ से हमें कनेक्शन निकालना है। यहाँ पे बहुत बारीकी से काम करना होता है आपको।
अगर आप एलसीडी एलईडी टीवी की रिपेयरिंग करते हैं या अगर पहले से कोई और काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड और आप एलसीडी एलईडी की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो के नीचे जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है आप उन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एलसीडी एलईडी स्मार्ट टीवी स्मार्टफोन लैपटॉप डेस्कटॉप और भी बहुत सारे गैजेट्स की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए इसको ये ऑफ हो गया। तो इस तरह हमने कनेक्शन यहाँ से आउट करवा लिया है। अब इसे असेंबली पे फिट करेंगे, बैकलाइट यूनिट पे अब इसे फिट करेंगे और फिर चेक करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है इसका। ये वायर्स कहीं शॉर्ट नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंसुलेट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेप लगा देते हैं ताकि ये वायर इधर उधर सरके नहीं। ज़्यादा यहाँ पे फोर्स भी नहीं देना है आपको। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, अगर आप एलसीडी एलईडी की रिपेयरिंग में रुचि रखते हैं और ये कोर्स करना चाहते हैं या कोर्स के संबंध में आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, तो वीडियो के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसका ये ऊपर का फिटिंग कहाँ है? ज़्यादा लंबा तार नहीं रखना है, जितना ज़रूरत हो उतना ही रखिए। वायर्स को सोल्डराइज कर लेते हैं पहले ही। वायर ये सोल्डराइज हो चुका है और यहाँ पे जो पॉइंट हम लोगों ने फाइंड किया था, जिस पॉइंट को फाइंड किया था हम लोग, उसे उस पर आप कनेक्शन कर देना है इस वायर का।
जैसा कि आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले अभी इसका कनेक्शन फाइंड किए थे माइक्रोस्कोप से, और फिर आगे ग्लास के साइड कॉप में जो कनेक्शन जा रहा था उसे भी फाइंड किया था। तो ये जो जम्पर देख रहे हैं ये वहीं से हम लोगों ने निकाला है थोड़ी देर पहले। तो इसको अब इस पीसीबी साइड से कनेक्ट कर देना है। तो जो ट्रैक मिसिंग था वो ट्रैक आपका जुड़ जाएगा और पिक्चर सही हो जाना चाहिए। जो डार्क डिस्प्ले का फॉल्ट आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, वो आई थिंक ओके हो जाना चाहिए अब। तो चूँकि डायरेक्ट कसना सही नहीं होता है, एक्चुअल में हम लोगों ने चेक कर लिया था इसे बाहर में ही बोर्ड रख के कनेक्शन करके। सो यहाँ पे हम लोग कंफर्म है अभी। तो बैकलाइट यूनिट पे बिना कंफर्म हुए पैनल कसना सही नहीं होता है, क्योंकि अगर फॉल्ट फिर से आ गया तो आपको बार बार खोलना पड़ता है, तो काफ़ी केयरफुली करना है काम आपको। ये लाइट कम होने के कारण, हाँ अब सही है। सही है। ये परफेक्ट हो गया सोल्डरिंग। मैग्नीफायर से चेक भी कर सकते हैं, मैग्नीफायर वहाँ है लाइए तो। बिल्कुल सही जगह पे है। चलो कोई जल्दबाजी नहीं, फुल टाइट मत करना अभी, ठीक है? हल्के हल्के कसो। दस मिनट से ऑन करके इस टीवी को अभी छोड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है इस पे। अब अभी या वीडियो यूसेज से वीडियो प्ले करके इसे देख लेंगे, अगर सही रहा तो इसे फाइनली डन कर देंगे। ओके, क्योंकि ये अब तक बस 1 से 2 मिनट के अंदर ये फॉल्ट आ जाता था, लेकिन रिपेयर करने के बाद अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है। ये लगभग इसको आधे घंटे से चलाते हैं, शुरू रखा है हमने, तो ये अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मतलब हमारा जो फॉल्ट था वो बिल्कुल डन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि इस तरह के बहुत सारे जो टेक्निकल वीडियोज़ हैं, खासकर एलसीडी रिपेयरिंग के संबंध में, तो बहुत सारे वीडियो आपके लिए ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए।